की थी तब हमारे पास सिर्फ लॉन्ड्री प्रोडक्ट थे, जब उसमें भी लॉन्ड्री प्रोडक्ट बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट होने के बावजूद 100 से ज्यादा महिलाओं ने अपना टारगेट पूरा किया और महिलाओं ने प्रूव किया कि इस पर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे ही उन महिलाओं ने प्रूव किया तो जेंट्स ने सोचा है कि जब ये महिलाएं कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते, और जब उसके बाद जेंट्स इसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए। जब जेंट्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए, एक सपोर्ट, दोनों एक दूसरे के जब सपोर्टिव बन गए, तो इसमें की सोल पर बहुत बड़े रिजल्ट आने लगे हैं। की सोल के प्रोडक्ट को जब महिलाएं यूज करना स्टार्ट करने लगी है तो वो समझ चुकी है कि ये प्रोडक्ट ना सिर्फ क्वालिटी में नंबर 1 है बल्कि प्राइस में भी बिल्कुल कम है अकॉर्डिंग टू मार्केट कंपैरिजन। और इसकी इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूँ इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस ये है कि आज मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ। आप कोई भी स्टेट में होंगे, आप रोज सबके स्टेट में सबके यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। जैसे राजस्थान में दाल बाटी स्पेशल होता है, तो हम लोग यहाँ पर रोज दाल बाटी नहीं खा सकते, या आप लोग रोज दाल चावल नहीं खा सकते। लेकिन मैं कंपैरिजन आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि खाना एक ऐसी चीज होती है, रोटी कपड़ा मकान, जो हर किसी को चाहिए होता है और बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। लेकिन जैसे खाने की अगर हम बात करें तो खाने में हम लोग सोचते कि यार हम 10 दिन से दाल चावल खा रहे हैं, आज हमें दाल चावल नहीं खाना है, आज हमें मतलब कुछ और खाना है, तो हम उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, हम डिफरेंट टेस्ट ले सकते हैं, हम कुछ और भी बना सकते हैं, हम चाहे तो डोसा भी खा सकते हैं, हम चाहे तो इडली सांभर भी खा सकते हैं। लेकिन कीसोल एक मात्र ऐसा सेगमेंट है जिसका कोई ऑप्शन नहीं है, जिसका कोई अल्टरनेट नहीं है, जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते कि कीसोल में महिलाओं को अगर सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं करना है तो वो नहीं लेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ना तो कोई ऑप्शन होता है ना कोई अल्टरनेट होता है, और वो ये भी नहीं सोच सकती है कि आज मुझे मेंस्ट्रुअल साइक्लिंग नहीं होना है, मेरे पीरियड्स को हम रोक दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि आप लोग इसे हर घर में इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, इस पर बहुत अच्छा रिटेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके घर की हर महिला इसे हर महीने इस्तेमाल करती है। और ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है, जब आप इसके प्रोडक्ट के फीचर्स जान जाएंगे तब आप खुद बोलेंगे कि यस, हमारी घर की महिलाओं को कीसोल ही यूज करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि ये ऐसे प्रोडक्ट है, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ये ऐसे प्रोडक्ट है जो हर परिस्थिति में सेल होते ही होते हैं, हर परिस्थिति में इसकी बिक्री होती है, हर परिस्थिति में लेडीज को ये प्रोडक्ट की डिमांड रहती है और वो यूज करते हैं। बिना सिंदूर के हर इंडियन लेडी, बिना सिंदूर के वो नहीं रहती है, डेली बेसिस पे उनको चाहिए होता है सिंदूर, बिना सिंदूर के नहीं रहती है, विंटर्स में लिप बाम बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लॉन्चरीज के बिना नहीं रहती है, कॉस्मेटिक सैनिटरी नैपकिन के बिना नहीं रह सकते हैं। तो आप इसका जो ग्रोथ लेवल है वो आप लोग गूगल कर सकते हैं, आप लोग खुद से देख सकते हैं कि आने वाले 4 साल में इन प्रोडक्ट की कितनी बड़ी डिमांड हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ कि कीसोल पर हम कैसे काम करें। ये तो हमें पता चल गया कि ये हर घर में, हमारे घर में अगर 10 महिला है तो वो 10 महिला ये प्रोडक्ट यूज करती है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि ना सिर्फ हमारी महिलाएं यूज करें बल्कि इंडिया की हर महिला हमारे कीसोल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करे। ये टारगेट जब आप लेंगे तो आप खुद सोचिए कि आप अभी कहाँ हैं और आप कहाँ होंगे, और ये ऐसे प्रोडक्ट जो हर घर में इस्तेमाल होते ही होते हैं। दूसरी बात ये है कि कीसोल के प्रोडक्ट को कभी भी लोकल प्रोडक्ट से कंपैरिजन नहीं करना। कोई भी बोलता है कि हमारे प्रोडक्ट चीप है, हमारे प्रोडक्ट सस्ते हैं, हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, हमारे प्रोडक्ट वैसे हैं, हमें ये देखना है कि वो ब्रांडेड है या नहीं है, क्योंकि हमने जो आपको प्रोडक्ट दिए है वो हमारी स्किन को डायरेक्ट टच करता है, हमारी बॉडी को डायरेक्ट टच करता है, 24 आवर्स टच करता है। तो ये प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो क्वालिटी में नंबर 1 होने चाहिए, जिससे आपकी स्किन पर इचिंग ना हो, रैश ना हो, आपको स्किन के रिगार्डिंग कोई डिजीज ना हो, आप इरिटेट ना हो, क्योंकि महिलाएं अक्सर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और जब वो गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही होती है तो फिर वो अपने शरीर से भी परेशान रहती है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें एक्चुअल में क्या यूज करना चाहिए। तो लोकल प्रोडक्ट से हमें कभी भी हमारे प्रोडक्ट को कंपेयर नहीं करना है कि मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो हमारा भी सस्ता होना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट के कंपेरिजन में है तो उन प्रोडक्ट से हमें कंपेयर करना है कि हमारा प्रोडक्ट कितना सस्ता है और कितनी क्वालिटी में नंबर 1, क्या हमें वो फील मिल रहा है इस प्रोडक्ट से जो हमें मिलना चाहिए। तो ये चीजें हम बिल्कुल श्योर है कि आपको वो सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि इसके जो मार्केट में फीडबैक आ रहे हैं इन प्रोडक्ट को लेकर के, अब महिलाएं जो इतना जब यूज करती है, अब आज भी कई सारी महिलाएं अपने सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके बैठे होंगे, प्रेजेंटेबल बैठे होंगे,
किसी ने आई शेडो लगाया होगा, किसी ने लिपस्टिक लगाई होगी, तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि सभी ने यहाँ पर टीसोल के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे। ये दो तीन चीजें ऐसी है, अगर आपने इन चीजों को समझ लिया और फिर प्रोडक्ट का नॉलेज पूरा पूरा ले लिया, जब प्रोडक्ट का पूरा पूरा नॉलेज आप ले लेते हैं, प्रोडक्ट की पूरी ट्रेनिंग आप ले लेते हैं, क्योंकि ऐसी जो ट्रेनिंग आपको आरसीएम ने प्रोवाइड करवाई है, जब की सोल के बारे में आप लोगों को बताया जाता है, वो आप लोगों को मार्केट में जनरली आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं, वो कभी भी नहीं बताएगा आपको कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है। आप खुद से जाकर के अगर आप उन्हें पूछेंगे कि आपके नेल पेंट में ऐसा क्या है कि इतनी महंगी है, आपके नेल पेंट कितने केमिकल फ्री है, आप खुद भी उनसे जब क्वेश्चंस करेंगे तो मेरे ख्याल से वो शॉपकीपर भी ब्लैंक हो जाएगा, क्योंकि इतना नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं, वही नॉलेज आपको अपने कस्टमर को देना है, वही नॉलेज आपको अपने फैमिली मेंबर्स को देना है, और आपके जितने भी रिलेटिव्स लेडी है उनको देना है। अब जब आप नॉलेज देंगे, मेरे ख्याल से आज के ट्रेनिंग में आप कुछ सारे प्रोडक्ट को एक साथ अगर नहीं समझ पा रहे हैं, एक दो प्रोडक्ट को भी अगर आप समझ जाएंगे, तीन प्रोडक्ट को भी अगर आप समझ जाएंगे, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आज से ही आप उसकी ऐसे की जो मैं आप लोगों को बात बताऊंगी वही बात बतानी है एज ए टीज। अपने जितनी भी फैमिली मेंबर्स हैं आप उनको बताएंगे तो वो यही बोलेंगे कि ठीक है एक काम कीजिए, मुझे आपके प्रोडक्ट का सैंपल दे दीजिए या फिर मुझे एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दीजिए। तब मैं चाहती हूँ कि आप में से सब लोग अपने पास कम से कम 10,000 रुपए का सामान अपने घर पर हमेशा अवेलेबल रखें, क्योंकि जब भी आप किसी भी महिला को इसके प्रोडक्ट बताएंगे, फीचर्स बताएंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, कंपैरिजन बताएंगे, तो हर महिला इसकी डिमांड करेगी, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही आकर्षक प्रोडक्ट है, इनकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी प्राइस बहुत कम है। जैसे ही प्रोडक्ट की डिमांड आएगी और उसी टाइम पर आपके पास वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और जब आप उन्हें प्रोडक्ट दे देंगे और वो प्रोडक्ट को यूज कर लेंगे, और हम बिल्कुल श्योर है कि वो आपसे लंबे टाइम तक जुड़ जाएंगे, वो कस्टमर, वो जो भी फैमिली मेंबर है, जो भी महिला है, वो एक बार ये प्रोडक्ट जब इस्तेमाल कर लेंगे वो हमेशा आपसे इन प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे। तो हमें हमेशा हर टाइम कम से कम 10,000 रुपए का सामान आप अपने घर पर की सोल का मिनिमम 10,000 आप रखिए। जैसे जैसे आप 10,000 पर काम करने लग जाते हैं, आपको लगता है कि हम रिटेलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो मैं तो यही बोलूंगी कि हर घर में होम पीओसी होना चाहिए। आप सभी लोग मिनिमम 50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है, बहुत ही कम अमाउंट है, 50,000 रुपए में आप सभी लोग घर बैठे होम पीओसी स्टार्ट कर सकते हैं, जिस पर आप रिटेल कर सकते हैं, आप लोग टीसोल की ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग अरेंज करवा सकते हैं अपने कस्टमर की, ताकि हम उनकी आपके जो भी चैलेंजेस है उसको क्लियर कर पाए, और आप लोगों के जो भी चैलेंजेस है उसको क्लियर कर पाए, और आपको एक स्मूथ सर्विस दे पाए, और आप लोग उस पर ग्रो कर पाए, आप लोगों की इनकम जनरेट हो पाए। तो सभी महिलाएं जो भी हाउस वाइफ है, वो आज से ये चीज ठान लीजिए कि अब हमें हाउस वाइफ नहीं रहना है, हमें एक बिजनेस वुमेन बनना है, और की सोल के माध्यम से बनना है। लॉन्ड्री की अगर हम बात करें तो लॉन्ड्रीज भी हमारे पास है, आप लोगों को किसी भी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्पोर्ट्स ब्रा चाहिए, पैडेड चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो सारे पैटर्न यहाँ पर अवेलेबल है लॉन्ड्रीज में। लॉन्ड्रीज की अगर हम बात करें तो पूरे मतलब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी कंपनी लॉन्ड्रीज पर काम नहीं कर रही है, सिर्फ की सोल एकमात्र ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में लॉन्ड्रीज पर काम कर रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लॉन्ड्रीज पर काम करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कोई भी कंपनी लॉन्ड्री पर वर्क नहीं कर रही है। यहाँ पर हम ये जो छोटी छोटी सी बातें मैंने आप लोगों को बताई है, तो मैं ये चाहूंगी कि आप इन बातों पे अमल करें और आज से इनकी शुरुआत करें। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों के बीच में प्रोडक्ट नॉलेज देना चाहूंगी। कीसोल प्रोडक्ट के अंदर जो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है, आज हम उनकी बात करेंगे, कॉस्मेटिक्स में साथ में ऑफर्स की बात करेंगे। तो कॉस्मेटिक्स में जो सबसे पहला प्रोडक्ट है हर महिला के लिए मतलब बहुत सभी महिला का फेवरेट प्रोडक्ट होता है, और ये महिलाओं के लिए है, बीबी क्रीम। बीबी क्रीम महिलाओं के लिए है और महिलाओं को ही इस्तेमाल करनी है। बीबी क्रीम की जो खास बात है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बीबी क्रीम होता क्या है, बीबी क्रीम काम क्या करता है,
जब भी आप मान लीजिए अगर आप मीटिंग में जाती है रेगुलर बेसिस पर, आपको एक अपनी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाना है, आपको प्रेजेंटेबल रहना है, आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, आप सेमिनार्स में जा रहे हैं, या आप वर्किंग वुमेन हैं, आप कैजुअल पार्टीज में भी अगर आप जाते हैं और आपको चाहिए कि मेरे चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं वो ना दिखे, मेरे चेहरे पे जो पिंपल्स है वो ना दिखे, डार्क सर्कल्स ना दिखे, एक्ने स्किन अगर प्रॉब्लम है तो वो ना दिखे, और मेरी जो स्किन है वो एकदम ग्लोइंग दिखे, और ऐसा भी ना लगे कि मैंने कुछ मेकअप किया हुआ है, ऐसा भी ना लगे कि मैंने कुछ मेकओवर किया हुआ है, और मेरी स्किन का जो टोन है वो दो टोन एक्स्ट्रा दिखे, इजीली ब्लेंड हो जाए हमारी स्किन पर, इजीली मर्ज हो जाए, और अगर हम डेली इस्तेमाल भी करें तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो, तो उसको कहते हैं हम बीबी क्रीम, जिसे आप डेली वियर कर सकते हैं। आप चाहे कैजुअल पार्टी में यूज कर सकते हैं, आप चाहे मीटिंग पर कर सकते हैं, आप चाहे जूम पर प्रेजेंटेबल रहना चाहते हैं तब कर सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि मुझे हेवी मेकअप करना है शादी में, मेरे पास और कोई प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, तो सिर्फ बीबी क्रीम है, तो आप बीबी क्रीम से भी बहुत अच्छे से रेडी हो सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका पार्टी मेकअप हो सकता है। थोड़ी क्वांटिटी आप ज्यादा लगाइए, आपको अच्छे से और उसे अच्छे से मर्ज कीजिए, अपनी स्किन पर ब्लेंड कीजिए स्पंज के माध्यम से कीजिए, तो और जैसे ही इसको अप्लाई हम करते हैं, इसको अप्लाई हमें कभी भी नॉर्मली जो मॉइस्चर हम लगाते हैं अपने फेस पर उस तरीके से नहीं करना है, पॉइंट पॉइंट करके हमें डॉट डॉट हमारे चेहरे पे लगाना है, डॉट डॉट करके, और उसको फिर ब्लेंड करना है। आप स्पंज के माध्यम से ब्लेंड कर सकते हैं या हाथों से भी आप ब्लेंड कीजिए, तो वो आपके स्किन से मर्ज हो जाएगा और दो टोन एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, आपकी स्किन चमकदार स्किन हो जाती है, ग्लोइंग स्किन होती है, एकदम ऐसा लगता है ना तो आपने बहुत ज्यादा मेकअप किया हुआ है और आपकी स्किन पर दाग धब्बे भी नहीं दिखते हैं, चेहरा एकदम क्लीन दिखता है और बहुत ही अच्छे से आप प्रेजेंटेबल दिखते हैं। कैजुअल पार्टी में आप यूज कर सकते हैं, डेली रूटीन पर वियर कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं दिखेंगे, बल्कि इसके अंदर हमने यूज किया है SPF 30, SPF 30 हमने इसके अंदर दिया है, और अकॉर्डिंग टू प्राइस ये फीचर बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप कंपैरिजन कर सकते हैं अदर ब्रांड से, किसी में SPF 20 होगा लेकिन हाई प्राइस होगी, लेकिन हमने इसके अंदर दिया है SPF 30 जो यूवी रेस से प्रोटेक्ट करके रखता है आपकी स्किन को, जो धूप की हानिकारक किरणें होती है जैसे ही वो आपकी स्किन पर जाती है और आपकी स्किन पर एकदम से अटैक करती है, और वो हानिकारक किरणें हमारी स्किन के अंदर जाके हमारी स्किन डिजीज कर सकती है, हमारी स्किन को नुकसान दे सकती है, हमारे प्री मेच्योर एजिंग हो सकता है, स्किन डल हो सकती है, कहीं ना कहीं हम हमेशा धूप से प्रोटेक्ट रहना चाहते हैं, तो इसके अंदर हमने वो फीचर्स भी दिए हैं, SPF 30 दिए हैं जो आपको प्रोटेक्ट भी करके रखेगा, आपकी इजिली स्किन में मर्ज भी हो जाएगा, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं, इस पर हम बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, हर घर में इस्तेमाल होती है, ऑल स्किन टाइप है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स भी यूज कर सकती है और लेडीज भी यूज कर सकती है, ओल्ड लेडीज भी यूज कर सकती है, इस पर किसी भी तरीके का कोई बाउंडेशन नहीं है। लिप बाम यहाँ पर देखिए, लिप बाम अवेलेबल है, लिप बाम सर्दी आने वाली है, विंटर्स में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट चलता है वो है लिप बाम, अगर ये स्टॉक से आउट हो जाए उससे पहले पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी आज के मीटिंग के बाद सभी लोग लिप बाम ले लीजिए, और क्योंकि विंटर्स में ये बहुत ज्यादा चलता है, और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है ना सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल करती है बल्कि पुरुष भी इसे रोज इस्तेमाल करेंगे, तो उनकी जो लिप्स की जो स्किन है, यानी कि हमारी जो लिप्स होते हैं उसकी जो स्किन है वो बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, जो ठंडी हवा से बहुत जल्दी से डैमेज हो जाती है, जब हमारी ठंडी हवा से हमारी लिप्स डैमेज होते हैं तो उनको जरूरत रहती है पोषक तत्वों की, पोषक तत्वों में हम मॉइस्चराइज हम ये देखते हैं कि लिप बाम में हमें सिर्फ मॉइस्चर मिलता है, बहुत पिंक रहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आप लोगों को दिया है ना सिर्फ मॉइस्चर आप लोगों को दिया है, बल्कि इसके अंदर हमने जोजोबा ऑयल दिया है जो एंटी बैक्टीरियल होता है, आपको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके भी रखता है, शिया बटर दिया है जो मॉइस्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से देता है, ये सारे पोषक तत्व है जो भरपूर है। जोजोबा ऑयल साउथ इंडिया में होता है, मतलब साउथ अमेरिका में ये जो ऑयल बनता है, जो साउथ अमेरिका में इसके ट्रीज होते हैं उसके फ्रूट का ऑयल होता है, इजीली इंडिया में अवेलेबल नहीं होता, तो ये बहुत अच्छे फीचर्स माने जाते हैं, इसी वजह से हमने हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुपर्ब बनाने के लिए हमने यूज किया है इसके अंदर जोजोबा ऑयल, ताकि आप सभी पुरुष भी लगा सके, जेंट्स भी लगा सकते हैं, लेडीज भी लगा सकती है, रात को सोने से पहले आप अप्लाई कीजिए। विटामिन ई है जो आपकी स्किन जब भी डैमेज हो जाती है, कटने लगती है, सूखने लगती है, ड्राई हो जाती है, तो विटामिन ई
आपके स्किन को रिपेयरिंग करने का काम करता है, आपकी स्किन को डैमेज स्किन को रिपेयर भी करता है, साथ में आपके होठों को पिंक भी बनाता है, सॉफ्ट भी बनाता है, एकदम ग्लोइंग भी बनाता है। ये सारे इंग्रेडिएंट, आप ये सारे पोषक तत्व जो है, आपको जिस दिन आप लिप बाम नहीं लगाएंगे तब आप देखेंगे कि यार नॉर्मल डे में भी हमारी स्किन एकदम ग्लो कर रही है, एकदम पिंक है। तो वो कारण क्या है? वो कारण यही है कि आप रेगुलर बेसिस पे लिप बाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और कभी आपने कभी से किसी विंटर्स में नहीं किया है तो नेचुरल डे में भी आपकी स्किन जो है एज इट इज रहेगी, पिंक रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, फटेंगे नहीं, ड्राई नहीं होंगे, और नेचुरल डे में आपके लिप्स जो है पिंक दिखना, मतलब वही लोग जब पूछते हैं कि आपके लिप्स इतने पिंक क्यों दिख रहे हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं क्योंकि हम की सोल का लिप बाम यूज करते हैं जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट है जिनकी जरूरत हमारे लिप्स को रहती है। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। इसके अंदर भी हमने SPF यूज किया है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो यूवी रेज है उसे, जो यूवी रेज होती है उसे प्रोटेक्ट करके रखता है सूरज की हानिकारक किरणों से। लिपस्टिक में हमारे पास प्रीमियम कलर शेड्स अवेलेबल है, 12 कलर शेड्स है, मैट है, ग्लॉस एंड शिमर है। लिपस्टिक में मैट, ग्लॉस एंड शिमर, आप लोगों को देखना है कि हमारे इधर लेडीज क्या डिमांड कर रही है, क्या उनके चॉइस है, क्या सबसे ज्यादा चलता है आपकी सोसाइटी में, उसके अकॉर्डिंग आप कलर रेंज को वहां पर रखिए, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर मार्केटिंग कीजिए। आप लोग को यहाँ पर हर रेंज मिलेगी, सारे प्रीमियम कलर शेड्स यहाँ पर मिलेंगे। इसके अंदर हमने दिया है मॉइस्चराइज दिया है ताकि मॉइस्चर दिया है ताकि आपके लिप्स पर नमी रहे, आपके लिप्स जो है फटे ना, आपकी स्किन ना उतरे, आपकी होठों पर कलर ना रह जाए, लिपस्टिक अगर हट जाती तो कलर भी रह जाता है, ऐसा नहीं होगा। और लिपस्टिक इतनी लॉन्ग लास्टिंग है कि जब भी आप लगाएंगे और आप इसे मतलब जब भी पूरी पार्टी आपकी खत्म हो जाएगी और आपके घर आने के बाद जब आप मिरर में देखेंगे तो आपकी एज इट इज आपके लिप्स पर ये लगी हुई मिलेगी, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप किसी भी ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं लॉन्ग लास्टिंग के मामले में, आप कंपेयर कर सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट के मामले में, आप कंपेयर कर सकते हैं इसके प्राइस के मामले में और शेड्स के मामले में। तो हम ये बोलते हैं कि हमारी जो लिपस्टिक है, बड़े बुजुर्ग बोलते आते हैं कि लिपस्टिक नहीं लगानी चाहिए, ये केमिकल से मिलकर बनी होती है, या गलत गलत गंदे गंदे इंग्रेडिएंट इसके अंदर होते हैं, तो हमारी स्किन को भी खराब करता है, पेट में जाता है तो नुकसान भी करता है। हम ये बोलेंगे कि पहली बात, लॉन्ग लास्टिंग है, पेट में नहीं जाएगा, अगर चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर हमने विटामिन ई भी दिया है जो आपकी स्किन के लिए एसेंशियल होता है, आपके होठों के लिए एसेंशियल होता है, और इसमें ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपको कभी भी जाकर के आगे नुकसान देगा। ये अच्छा प्रोडक्ट माना गया है तो आप लोग इस पर अच्छा काम कर सकते हैं। नेल पेंट पर हम बात करेंगे, नेल पेंट में बहुत लोकल प्रोडक्ट से हमें कंपैरिजन नहीं करना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। नेल पेंट की खास बात यह है कि अगर ब्रांडेड कंपैरिजन हम कर रहे हैं तो ऐसा क्या फीचर है जो हमें हम कंपेयर कर पाए, वो प्रूव क्या है? तो सिर्फ एक छोटी सी बात आप नोट कर लीजिए, अगर डायरी पेन है तो, कि अगर कोई भी बोलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो महंगा है, आप पूछ सकते हैं कि किस पर्पस, आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है, आप उन्हें क्रॉस कर सकते हैं कि क्या आपका प्रोडक्ट नाइन फ्री है क्या, मतलब आप सिर्फ इतना सा पूछेंगे वो सामने वाला यही बोलेगा कि नाइन फ्री क्या होता है। आप बोल सकते हैं कि नाइन फ्री नो हार्मफुल केमिकल्स, जो कहीं ना कहीं हर नेल पेंट में होते हैं, जो आगे चल के हमें इंटरनली नुकसान देते हैं। महिलाएं घर पर खाना बनाती है, आटा लगाती है, पानी में हाथ जाते हैं, तो ना सिर्फ महिलाएं जो प्रोडक्ट यूज कर रही है ना सिर्फ उनको नुकसान कर रहा है, उनके साथ साथ उनके घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, चाहे उनके उनके बच्चे हो, चाहे उनके हस्बैंड हो, चाहे उनके मम्मी पापा हो, सभी के पेट में ये प्रोडक्ट जा रहा है। तो हम ना सिर्फ हमारे साथ ही मतलब इन प्रोडक्ट को, गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करके ना हमारे साथ ही हम बीमारी को मोल नहीं ले रहे हैं, हम साथ में सभी को भी दे रहे हैं। तो इतना हमको ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी प्रोडक्ट कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं उसकी हमें पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है और क्या नहीं मिला हुआ है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो नेल पेंट है वो नाइन फ्री है, नो हार्मफुल केमिकल्स को हमने रिमूव किया है, पैराबिन फ्री है। पैराबिन अक्सर केमिकल, ये ऐसा केमिकल है जो कई सारे कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल किया जाता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, पैराबिन हमने नहीं डाला है क्योंकि हमें पता है कि पैराबिन हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, पैराबिन से हेयरफॉल होता है, पैराबिन से स्किन कैंसर भी हो सकता है, पैराबिन बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, तो हमने हमारे किसी भी प्रोडक्ट में पैराबिन नहीं यूज किया है।
लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, कई दिनों तक एज इट इज ये प्रोडक्ट आपके नेल्स पर रहता है, कई दिनों तक आप मतलब जब तक आप लोगों को यकीन नहीं होगा तब जब भी 15 से 20 दिन तो एज इट इज, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हमेशा की सोई की ही प्रोडक्ट यूज करती हूँ, तो ये एज इट इज रहते हैं नेल्स पर, जब तक आप नेल पेंट रिमूवर वाइप से इसे हटाते नहीं है तब तक ये इजिली हटती भी नहीं है, मतलब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। मस्कारा अवेलेबल है, मस्कारा देखिए लेडीज प्रोडक्ट है ये, लेडीज की आंखों पर आईलैशेस पर अप्लाई किया जाता है, पलकों पर, जब भी लेडीज को लगता है कि हमारी पलकें बहुत छोटी छोटी सी है, हम इतनी मतलब इतनी लेंथ नहीं है, जितनी आंखें उनकी सुंदर दिखनी चाहिए वो उतनी दिखती नहीं है, अगर उनको उनकी आंखों को बोल्ड दिखाना, आकर्षक दिखाना है और मेकअप करना है, यानी कि कैजुअल पार्टी में जाना है, या आप लोग डेली भी कर सकते हैं, डेली अदर मतलब अगर आप मीटिंग में हैं, आप पार्टीज में हैं, आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, आप सेमिनार्स में जाते हैं, अगर आपको आपकी आंखों को सुंदर बनाना है तो आप मस्कारा अप्लाई कीजिए। मस्कारा एक ऐसी चीज है जो हम कैसे पता करें कि मार्केट का मस्कारा और हमारा मस्कारा कितना बढ़िया है मार्केट की कंपैरिजन, तो देखिए इसको पता करने के लिए पहली बात है कि जब भी कोई भी चीज हमें कितना फील दे रही है वो पता होना चाहिए, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से वो पता होना चाहिए, हमें नहीं मतलब है कि मार्केट में कितना भी अच्छा है कितना भी बुरा हो, हमें नहीं मतलब है, अगर हम की सोल के प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है तो मेरे लिए यही प्रोडक्ट सर्वश्रेष्ठ है और मेरे लिए पूरे मतलब लाइफ टाइम मुझे यही मस्कारा यूज करना है, क्योंकि मेरी आंख सबकी अलग अलग आंखें होती है, किसी की आंखों में पानी रहता है जनरली, तो अगर वो वाटर प्रूफ नहीं होता तो उनकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सर्वश्रेष्ठ है ये मानेंगे हम इसे यूज करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मस्कारा को हम कंपेयर कर सकते हैं, देखिए मस्कारा जब भी हम अप्लाई करते हैं तो इसको जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको आंखों पर लेंथ दिखने लगेगी, आपकी पलके बड़ी दिखने लगेगी, आप 2 या 3 बार इसे ट्विस्ट करेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपकी इस तरीके से जो लैश आपको यहाँ पर दिख रही है वो दिखेगी। अब आती है इसकी पैकेजिंग, ये जो ब्रश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये ब्रश इजीली ट्विस्ट हो रहा है आपकी आंखों पर, क्या ये आपकी आंखों को लेंथ दे पा रहा है, तीसरा ये कितना लाइट वेटेड है आपकी आंखों पर, लाइट वेटेड लाइट होना चाहिए, ये लाइट वेटेड है, ये इरिटेट नहीं करना चाहिए कि आंखों में जा रहा है, स्मच प्रूफ नहीं होता है तो वो उतर के आपकी आंखों में जाता है और आंखों में जलन करता है, तो ये स्मच प्रूफ है आपकी आंखों में नहीं जाता है, आपकी आंखों पर भारीपना नहीं लगेगा, भारीपन नहीं लगेगा, एकदम लाइट वेटेड रहेगा और आपकी आंखें सुंदर दिखेगी, ये होता है प्रोडक्ट को प्रोडक्ट का चुनाव करना, जब भी आप अप्लाई करते तो आपको पहले देखना है कि हमारी आंखें मतलब सूट कर रही है, हम कंफर्टेबल है या नहीं, तो लाइट वेटेड होना चाहिए, ये प्रोडक्ट लाइट वेटेड है, इजीली ट्विस्टेबल होना चाहिए तो ये ट्विस्ट होता है इजीली, और जब भी हम अप्लाई करते हैं हमारी लेंथ हो रही है या नहीं हो रही है आंखों पर वो देखना है, और स्मच प्रूफ होना चाहिए हमारी आंखों में ना जाए ताकि इरिटेशन ना हो। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की, तो फीचर्स में ये है कि ये वाटर प्रूफ है, अगर आप नॉर्मली बाहर जा रहे हैं बारिश का मौसम है, थोड़ी थोड़ी सी बरसात आ रही है और आपको डर लग रहा है कि मस्कारा उतर के मेरी आंखों को काला ना कर दे तो ऐसा नहीं होगा, मतलब ये स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप इसे अप्लाई कीजिए और इजिली आप बाहर निकल सकती है, और ये लाइट वेटेड है, स्पेशल ट्विस्टेबल पैकेजिंग में है, ये जो पैकेजिंग है इसकी बहुत खूबसूरत है, इसको ट्विस्ट इजीली कर सकते हैं आप, क्योंकि बहुत सारे मैंने मस्कारा ऐसा देखे हैं जो ब्रांडेड है लेकिन वो इजीली ट्विस्ट नहीं होता है, जो शेप हमें चाहिए होता है वो नहीं दे पाता है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है ये भी, पैराबिन फ्री है, कई सारे मस्कारा ऐसे आते हैं जिसमें पैराबिन होता है और हमें पता ही नहीं होता है, हम ये देख करके ले आते हैं ठीक है प्राइस में हमारी हमारी प्राइस में है मस्कारा, ठीक है ब्लैक कलर का ही होता है तो ब्लैक कलर में है और इजीली ट्विस्ट हो रहा है, ये सिर्फ यही नहीं देखना है, ये भी देखना है कि पैराबिन इसके अंदर है या नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में नहीं है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है और इजीली ट्विस्टेबल पैकेजिंग है। बेसिक प्रोडक्ट की मैं यहाँ पर बात करूंगी, सुपर ब्लैक काजल, काजल में हम लोग यहाँ पर बहुत छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा इसको मैं नहीं इस पे जाऊंगी, सभी को पता है कि काजल आंखों पर लगाया जाता है, हर घर में चलता है, हर महिला लगाती है अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए, तो इसके जो फीचर्स है वो ये है, कितनी भी बड़ी ब्रांड हो उसके कंपैरिजन में आप कर सकते हैं, पहली बात मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ क्योंकि मैं कर चुकी हूँ उसकी, तो जिस दिन आप कर चुके होंगे उस दिन आप भी यही बात बोलोगे, तो आप खुद सब ट्रेनर बन सकते हैं अच्छे से, क्योंकि पहले क्या होता है कि पहले 100% यूज करना पड़ता है, मैंने तो हमेशा यूज किया और आज तक कर रही हूँ, तो
जब से कीसोल यूज किया है उसके बाद से मैं कोई भी और प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे फेवरेट बन चुके हैं और मैं कई सारे फ्रेंड्स को ये काजल गिफ्ट भी कर चुकी हूँ, क्योंकि काजल सभी का फेवरेट होता है, सभी की आंखों को सूट भी कर रहा है ये वाला काजल। तो इसमें डीपेस्ट ब्लैक होना चाहिए, जेट ब्लैक होना चाहिए। ये काजल डीपेस्ट ब्लैक है, गहरा काला है, स्मूथ टेक्सचर होना चाहिए, स्मूथली अप्लाई होता है, बार बार आपको इसको लाइनर लगाना नहीं पड़ता है आंखों पर, 3 से 4 बार आपको नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने देखा है कि 2 से 3 बार जब हम लगाते हैं तब जा करके वो प्रॉपर शेड देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्मूथ टेक्सचर देता है आपकी आंखों पर और आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल भी नहीं करता है। जब आप देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, मैं कोई भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैंने तो सब अप्लाई कर लिया इसके, मेरी आंखें ऐसी है कि वाटर लाइन पर मुझे हल्की सी मेरी आंखों में नमी रहती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पानी रहता है तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना स्मज प्रूफ नहीं होता है जिसकी वजह से वो फैलने लगता है। और जनरली फिर सभी बोलते हैं कि मतलब डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो गए, जबकि मेरे डार्क सर्कल होने का कारण है मैं गलत काजल यूज कर रही हूँ। तो गलत काजल हमें यूज नहीं करना है, गलत काजल अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है, आंख के नीचे डार्क सर्कल होता है, और ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि आप वाटर लाइन पे अप्लाई करते हो तो आंखों के अंदर जाना बहुत ही जाहिर सी बात है, और अगर जाता है और हमें नहीं पता है कि कोई ऐसा केमिकल आपकी आंखों में जा रहा है जो आपकी आई साइट वीक कर सकता है, आपको आपको आंखों में जलन कर सकता है, आप और जरूरी नहीं है कि आंखों के अंदर जाएगा तो आपको कोई नुकसान होगा, इंटरनली कई सारी चीजें जुड़ी होती है, नोज जुड़ी होती है, आप देखेंगे ईयर, पूरा सब कुछ अंदर से जुड़ा हुआ होता है, तो हमें ये केमिकल अंदर जाके कहाँ प्रॉब्लम कर जाएगा हमें नहीं पता होता है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को हमेशा सोच समझ कर ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हमारी आंखें सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है और वहां पर अगर हम कोई भी चीज अप्लाई कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि वो डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है या नहीं। हम ये बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो त्वचा विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित है, आंखों के अंदर भी जाता है, तो कोई आपको सोचने वाली बात नहीं है। ये इजीली सेल हो सकता है, हर घर में ये प्रोडक्ट होता है, हर घर में प्रोवाइड करवाना आपकी जिम्मेदारी है और ये मुद्दा आज ही आपको उठाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट आप लोग बस टारगेट फिक्स कर लीजिए, आप लोगों को रिजल्ट जरूर जरूर मिलेंगे। आईलाइनर देखिए, आईलाइनर यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि आईलाइनर महिलाओं को आंखों के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये जो आईलाइट्स आपको दिख रही है इस जगह पर, ये विंग का जो शेप दिख रहा है यहाँ पर अप्लाई किया जाता है आईलाइनर। लिक्विड आईलाइनर सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, अगर आप कोई और जैसे पेंसिल है या आप कोई और यूज कर रहे हैं तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है जितना लॉन्ग लास्टिंग लिक्विड होता है। आप देखेंगे ब्यूटी पार्लर्स होती है, वहां पर सबसे ज्यादा लिक्विड आईलाइनर वो लोग यूज करते हैं, पार्लर्स में सबसे ज्यादा आई मेकअप होता है, वहां पर आई मेकअप की सबसे ज्यादा डिमांड, हम क्रिएट करवा सकते हैं, हम लोग वहां पर प्रोडक्ट के सैंपल दे सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा जानकारी इसके बारे में उन्हें होती है उतनी शायद सभी को नहीं होती है, क्योंकि आईलाइनर जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो पार्लर्स करती है। जितने भी ब्यूटिशियंस हैं उन सबसे कॉन्टेक्ट कीजिए, उनको सैंपल दीजिए, उनको टेस्ट करवाइए कि ये आईलाइनर आप लगाइए, ये 10 घंटे तक एज इट इज रहता है, इसकी पपड़ी नहीं उतरेगी, ये एकदम मतलब आंखों पे स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, फैलेगा बिल्कुल भी नहीं, और आपकी आंखों को सुंदर भी बनाएगा और शाइनी भी बनाएगा। तो 10 घंटे हमने यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन ये 10 से भी ज्यादा घंटे तक टिका रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आईलाइनर आप में से मतलब जिसने भी यूज नहीं किया है आपको यूज कीजिए, कोई भी चैलेंज आता है प्रोडक्ट को लेकर के, मान लीजिए कभी कुछ आप लोगों को लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट में हमें ये दिक्कत आ रही है, आप डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट कीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर जरूर मिलेगा, लेकिन आप उसके लिए अपनी खुद की गलत मेंटेलिटी मत बनाइए कि नहीं ये प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं है। तो आप लोगों को उतना सोचने की जरूरत नहीं, उस चीज के लिए कंपनी है, कंपनी सोचेगी, आप लोगों को जस्ट आपने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कंपनी तक दीजिए, आपकी क्वेश्चन को कंपनी तक दीजिए, कंपनी उसका सॉल्यूशन निकाल करके वही चीज आप लोगों को देगी जो आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया होगा। आप लोगों के लिए आईलाइनर जो है आई मेकअप के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप आई शेडो यूज करेंगे, मस्कारा यूज करेंगे या काजल यूज करेंगे, अगर आप आईलाइनर यूज नहीं करते हैं तो ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिस हो गया है आपकी आंखों पर, आपकी आंखें सुंदर क्यों नहीं लग रही है। तो ये प्रोडक्ट जो है आई मेकअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेकअप माना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट माना जाता है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट पर हमें बहुत अच्छा काम करना है। अगर सबसे इम्पोर्टेंट है तो हर पार्लर पर ये इस्तेमाल हो रहा है, हर पार्लर वाली इसे यूज कर रही है अपने कस्टमर पर, तो हमें हमारा टारगेट होना चाहिए कि जितने भी पार्लर आपकी सिटी में हैं उन सबको इस पर इस प्रोडक्ट तक लेकर के आप आए। नेक्स्ट प्रोडक्ट है आई शेडो। आई शेडो के बारे में कई महिलाएं तो सब जानती ही है, अगर पुरुष नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी आई शेडो क्या होता है। आई शेडो ये जो पलके होती है, पलके के ऊपर जो आईलेट्स होती है इस तरीके से, ये आईलेट्स पे अप्लाई किया जाता है। आपने देखा होगा कई सारी लेडीज आंखों के ऊपर पिंक कलर यूज करती है, पिंक पिंक से वो दिख रहे हैं, तो वो आई शेडो होता है। आप सभी को अब तक तो प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था, लेकिन आप लोगों को आज सारे प्रोडक्ट से वाकिफ करवाया है कि क्या क्या कॉस्मेटिक्स में होते हैं और उन्हें कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है और वो कैसे होते हैं। तो देखिए, ये जो होता है आईलाइट्स पे अप्लाई किया जाता है, इसे बोलते हैं हम आई शेडो। ये अक्सर महिलाओं के मतलब जब भी महिलाएं घर से बाहर जाती है तो वो देखते हैं कि काजल तो हमने लगा दिया है, लेकिन आज की जो महिलाएं हैं, आज का जो जमाना है, वो सिर्फ काजल से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि काजल तो हर कोई लगा रहा है, काजल तो हर कोई लगाता है। तो आज हर कोई महिलाएं प्रेजेंटेबल दिखना चाहती है, अपनी आंखों को आकर्षित वो लगना चाहती है, उनकी आंखें सुंदर लगे, वो ऐसा मेकअप करना चाहते हैं, और वो ऐसा भी करना चाहते हैं कि हम अगर रोज भी लगाए तो हमारी आंखों को कोई नुकसान ना हो। तो ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा चलन में है, बहुत ट्रेंडी प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा इसकी सेल भी हो रही है और बहुत अच्छे से लोग इसे पसंद कर रहे हैं। आई शेडो को हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट कैसे करेंगे, देखिए किसी भी प्रोडक्ट पर अगर हम काम कर रहे हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, आप लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारे यहाँ पर ये चीज सेल नहीं हो रही है, तो देख मैं यही बोलूंगी कि अगर जहाँ पर आप रहते हैं, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, अगर उस सोसाइटी में लोग ये प्रोडक्ट नहीं मांग रहे हैं, तो आपको उस सोसाइटी से थोड़ा बाहर निकल के इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट की कहीं ना कहीं डिमांड है, तभी की सोल में ये प्रोडक्ट है। हमने पूरा अच्छे से मार्केट को रिसर्च किया है, ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया से बिकता है, मार्केट में बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे पार्टीज होती है, किटी पार्टीज होती है, सेमिनार्स होते हैं, मीटिंग होती है, नॉर्मली छोटे छोटे से गेट टुगेदर होते हैं, तो वहां पर हर लेडी प्रेजेंटेबल लगती है। सारी लेडीज हाउसवाइफ नहीं रही है, अब वर्किंग वुमेन हो गई है, तो वो लोग अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अपनी आंखों पर ये सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही है। अगर वो इस्तेमाल कर रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी वाले प्रोडक्ट है वो इस्तेमाल करे, तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये होगी कि अगर आपकी सोसाइटी में इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं आ रही है, तो अपनी सोसाइटी से थोड़ा सा बाहर निकल के इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए, इस प्रोडक्ट के फीचर्स बताइए, बेनिफिट्स बताइए, प्राइस बताइए, प्रोडक्ट का सैंपल दीजिए और इस प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट कीजिए। जिस दिन आपने ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया, तो की सोल के एक एक प्रोडक्ट पर आप बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट नहीं चलता होता या ये प्रोडक्ट आप लोगों को लगता है कि नहीं हम तो यूज नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप यूज नहीं कर रहे हैं तो कोई और यूज नहीं कर रहा। अगर कोई यूज नहीं करता तो वो की सोल में होता ही नहीं। अगर कोई भी प्रोडक्ट की सोल में आ रहा है, तो ये सोच लीजिए ये मार्केट में बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट होगा, और ये ऐसा प्रोडक्ट होगा हम की सोल में कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं लाएंगे जो डिमांडिंग नहीं होगा। ये ऐसे प्रोडक्ट है, बहुत डिमांडिंग है, बहुत चलन में है, बहुत ज्यादा सेल होती है। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ पर जाकर के इसकी सेल करें, कहाँ जाके हम रिटेल करें, कैसे हम रिटेल करें। हम डोर टू डोर नहीं जाना चाहते हैं, तो डोर टू डोर जिनको नहीं जाना है, आप लोग घर बैठे होम पीयूसी स्टार्ट कीजिए। घर बैठे सारे तीनों कैटेगरीज लीजिए, आप लॉन्ड्री, सैनिट नैपकिन, कॉस्मेटिक्स में सारे प्रोडक्ट रखिए और प्रमोशन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट की ट्रेनिंग अरेंज करवाइए, जितनी ज्यादा ट्रेनिंग आप लोग कस्टमर की, आप जो भी आपके क्राउड है, आप अपनी टीम में जो भी आप लोगों को लगता है कि मुझे ट्रेनिंग देनी है, आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कंपनी में रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी बराबर, और इस प्रोडक्ट को ब्यूटी पार्लर्स पर आप सबसे ज्यादा सेल कर सकते हैं, कॉस्मेटिक शॉप पर सबसे ज्यादा सेल कर सकते हैं, वहां पर भी आप एमआरपी एसपी जो भी आप लोगों को मार्जिन लगता है, आप उस पर भी सबसे ज्यादा सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांडेड कंपनी के कंपैरिजन में हमने इसको बनाया है, तो क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमने नहीं किया है। 9 कलर शेड्स का पैलेट है, यहाँ पर आपको 9 शेड दिख रहे हैं, 9 तरह के शेड्स है,
सारे मेटेलिक शेड्स है, मेटेलिक यानी कि सारे ऐसे शेड्स है जिसमें आपको मर्ज नहीं करना पड़ेगा, दो तीन शेड्स आपको मर्ज नहीं करने पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग शेड्स मर्ज करते हैं तो हमारी आंख के तब जाकर के हमें प्रॉपर कलर मिलता है, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। मेटेलिक शेड्स है, आप चाहते हैं मुझे एकदम इस तरीके की आंखें चाहिए हमें पार्टीज में, तो आपको सेम एज इट इज शेड यहाँ पर मिलेगा। कलर आप लोगों को पसंद करना है, सुपर सैचुरेटेड कलर है, क्रुएल्टी फ्री है और एकदम हाई पिगमेंट है, काफी अच्छा पिगमेंट है शेड्स है इसके अंदर, जो लॉन्ग लास्टिंग भी है। पाउडर में है ये वाला, मतलब कई सारे अलग अलग तरीके से आते हैं लेकिन पाउडर सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहता है, पाउडर ही सबकी स्किन को सूट करता है। तो पाउडर बेस्ड है ये वाला प्रोडक्ट, मेटेलिक है। आप इसको तीन तरीके से यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो आंखों पर भी यूज कर सकते हैं, आप इसको ब्लशर के रूप में, जिनके जिनके चिक्स पर पिंक रहता है थोड़ा बहुत जब मेकअप करते हैं, तो ब्लशर भी लगा सकते हैं आप लोग तो, और हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है मेकअप रिमूवर वाइप्स। मेकअप रिमूवर वाइप्स सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं ये बोलूंगी कि आप सबके बिजनेस के लिए सबसे उपयुक्त प्रोडक्ट है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हो। आप में से ये प्रोडक्ट जो है मेकअप रिमूवर वाइप्स, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेकअप रिमूवर वाइप्स और की सोल, तो सभी जेंट्स ये मत सोचिए कि हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते या हम छुप छुप के इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें वेट वाइप्स भी लग रहे हैं तो हम कभी कभी यूज भी कर लेते हैं, लेकिन हम मार्केट में कैसे यूज करें, क्योंकि इसके ऊपर तो मेकअप रिमूवर वाइप्स है, या फिर हो सकता है की सोल लिखा हुआ है तो महिलाओं के प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ये जो प्रोडक्ट है ऐसे प्रोडक्ट है कि सारी महिलाएं तो यूज करती ही है मेकअप को रिमूव करने के लिए, अगर नहीं भी करती है तो उन्हें करना चाहिए, और जो पुरुष है सारे लीडर्स है उनको भी, आपके चेहरे के अगर आप लोगों को डस्ट क्लियर करनी है, आपके चेहरे के डर्ट है, पॉल्यूशन वाले एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, ट्रैवलिंग में आप है, तो ये वेट वाइप्स यूज कीजिए। आपको सेमिनार्स में अगर आपको सुस्ती आ रही है तो ये वेट वाइप्स निकालिए, अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए, सारी सुस्ती उड़ जाएगी, एकदम फ्रेश फील करेंगे, आपका चेहरा उसी वक्त एकदम चमकने लगेगा, क्योंकि सारी डस्ट निकल के उस वाइप्स में आ जाती है। और ये वाइप्स जो फीचर्स आपको देते हैं, ये वाइप्स के फीचर्स ये है कि ये आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग स्किन बनाती है, उसी टाइम बनाने लगती है, जैसे ही आप इसे अप्लाई करते हैं आपका चेहरा उसी वक्त चमकने लगता है एकदम, क्योंकि पूरा क्लीन कर देता है, जैसे आप फेस वॉश करते हैं वैसे पूरा क्लीन कर देता है। तो सभी लीडर्स भी यूज कर सकते हैं, सारे जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, सारी महिलाएं भी यूज कर सकती है नॉर्मल डे में, और महिलाओं को स्पेशली जब भी मेकअप आप करते हैं, मेकअप में जैसे आई मेकअप आप लोगों ने किया है, आईलाइनर, आई शेडो, मस्कारा या बीबी क्रीम आप लोगों ने यूज किया है, आप लोग सोचते हैं मेकअप रिमूव करने के लिए हम लोग फेस वॉश कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, तो बढ़िया बात है, क्योंकि फेस वॉश हमारे फेस को तो क्लीन करता ही है, तो वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमने जो प्रोडक्ट आप लोगों को दिए, जैसे आईलाइनर दिया, आई शेडो दिया, मस्कारा दिया, ये सारे स्मज प्रूफ क्यों दिए हैं? क्योंकि स्मज प्रूफ अगर है तो हम चाहते हैं कि ये फैले ना, आपकी आंखों के अंदर ना जाए। अल्टीमेटली कोई भी प्रोडक्ट हो, हमारी आंखें इतनी सेंसिटिव होती है कि हमारी आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर आप फेस वॉश करती हैं और आपकी आंखों के अंदर ये प्रोडक्ट जाते हैं तो आपको कभी ना कभी इरिटेशन फील होती है, आपकी आंखों को नुकसान होता है, तो ये ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमको जब भी हम मेकअप करते हैं, अगर आप बीबी क्रीम भी अप्लाई कर रहे हैं, आप फेस पर कितना भी हाई पिगमेंट वाला कोई भी ब्रांड का अगर मेकअप आपने किया है, तो मैं यही बोलूंगी सभी महिलाओं से कि हमेशा रात में सोने से पहले आप मेकअप को अच्छे से रिमूव करना ना भूले। अगर आप अच्छे से रिमूव नहीं करती है तो आप देखेंगे कि समय से पहले आपको बुढ़ापा आना महसूस होने लगेगा, यानी कि आप देखते हैं कि हम मेकअप से पहले तो हम इतनी यंग लगती थी, लेकिन जब से हमने मेकअप करना स्टार्ट किया है हमें रिंकल्स होने लग गए हैं, हमें डार्क सर्कल्स होने लग गए हैं, हमारे पिंपल्स होने लग गए हैं, क्योंकि आप लापरवाही कर रहे हैं। एक तो अच्छी क्वालिटी का मेकअप यूज करना चाहिए, अगर आप लोकल यूज कर रहे हैं तो वो पड़ने ही पड़ने, अगर आप गलत यूज कर रहे हैं तो वो पड़ने ही है, केमिकल वाले कर रहे हैं तो वो पड़ने ही है रिंकल्स, तो अच्छी क्वालिटी का कीजिए पहले, तो हम वहां से निश्चिंत हो जाए। दूसरा, जब भी हम मेकअप को यूज करते हैं तो मेकअप को अच्छे से रिमूव करना नहीं भूलना चाहिए, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए होता है लॉन्ग लास्टिंग मेकअप, लंबे टाइम तक हमारे चेहरे पे रहे, तो जब हम फेस वॉश कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो इजीली हमारे चेहरे से हट गया? इजीली अगर नहीं हटता है तो आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको फुंसी होना, पिंपल्स होना,
एक्ने स्किन होना, डार्क सर्कल होना, या फिर प्री मेच्योर एजिंग, रिंकल्स होना, झुर्रिया पड़ जाना, ये सारी स्किन प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। तो मेकअप रिमूवर वाइप्स इस्तेमाल कीजिए, जिससे 10 से 20 सेकंड तक आप अपने फेस पर, आईलैशेस पर अप्लाई कीजिए और स्वाइप अप कर दीजिए पूरे फेस को, इजीली सारा मेकअप उतर के उसमें आ जाएगा। और विटामिन ई इसके अंदर है, जो आपकी स्किन को ग्लोइंग स्किन बनाएगा, स्मूथ बनाएगा, आपकी स्किन को हमेशा फ्रेश फील करवाएगा, आपके चेहरे के सारी डस्ट भी निकालेगा। विटामिन ई आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर दिया है विटामिन ई, जो आपकी स्किन को हमेशा ग्लोइंग स्किन बनाता है, प्री मेच्योर एजिंग नहीं होने देता है, एक्ने स्किन की प्रॉब्लम नहीं होती है, पिंपल्स आपको नहीं होने देता है, त्वचा पर 2 घंटे तक मॉइस्चराइज भी देता है ताकि ड्राइनेस फील ना हो, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है ताकि आपको पिंपल्स ना हो, नेचुरल आपकी जो स्किन होती है उसमें एक नेचुरल ऑयल निकलता है, वो ऑयल मेंटेन करके रखता है ताकि ड्राई ना हो आपकी स्किन, जिससे आप लोगों को किसी भी तरीके की एक्ने स्किन वाली प्रॉब्लम हो, और त्वचा को 2 घंटे तक मॉइस्चराइज भी करता है। पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, इसके जो फीचर्स है कहीं ज्यादा फीचर्स है कि मैं इसका क्या बताऊं, मतलब मैं खुद थक जाती हूँ इसके बारे में, जितना ज्यादा बताऊं उतना कम। इसके अंदर जो हमने दिया है, देखिए अल्ट्रा सॉफ्ट फैब्रिक है, मॉइस्चर लॉकलेट पैकेजिंग में है, त्वचा को हाइड्रेट रखता है, सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। आप लोग अगर ट्रैवलिंग में है तो इसे इजीली लेकर जा सकते हैं, आप मीटिंग में है, सेमिनार्स में, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है, विटामिन ई से युक्त है, त्वचा को प्योरीफाई करता है, एकदम रिफ्रेश रखता है, और पैराबिन फ्री, अल्कोहल फ्री प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे फीचर्स के साथ में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो यही चाहूंगी कि जो भी पुरुष है वो आज ही अपनी महिलाओं को गिफ्ट करे, मतलब अपनी वाइफ को गिफ्ट करे, अपने घर में जो भी आपकी फैमिली मेंबर्स है उनको गिफ्ट करे, और जो भी महिलाएं हैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट करे, क्योंकि ये दोनों के लिए उपयुक्त है और दोनों के लिए बराबर ही काम करेगा, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सिंदूर बेसिक प्रोडक्ट है, हर रोज रूटीन में काम आता है, हर महिला के लिए, हर इंडियन लेडीज इस्तेमाल करती है, इनके दिन की शुरुआत इससे होती है। अगर कोई भी महिला लोकल प्रोडक्ट यूज कर रही है और थोड़ी दिन बाद बोलती है कि मुझे इचिंग हो रहा है, रैश हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, क्योंकि मेरी स्किन को तो सिंदूर सूट ही नहीं करता, इसलिए मैंने लगाना ही बंद कर दिया, ये बहुत गलत मानसिकता है आपकी। आप लोगों ने गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, इसलिए आपको वो सूट नहीं कर रहा। आप ये मत सोचिए कि मेरी स्किन को ये सूट नहीं करता, आपने गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है जिसमें ढेरों केमिकल्स है, हमें पता भी नहीं है कितने केमिकल है, और हम ऐसी जगह अप्लाई करते हैं जहां पर हमें नोट होता है, हमें रहता है कि हमारे सर पर हमने कुछ अप्लाई किया है, अगर वो गलत है, इचिंग हो रहा है, रैश हो रहा है, तो पूरा दिन हमारा हेडेक रहता है, हमें हेडेक रहता है, हम लोग इरिटेट रहते हैं, हमें हमारा सर भारी लगता है, और इचिंग रैशेस भी हो रहा है, हमारी स्किन डैमेज भी हो रही है, और हम इसे अगली बार से अप्लाई करना ही बंद कर देते हैं। तो ये है कि लोकल प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करना है, इसकी ड्यूरेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप लोग ये मत सोचिए कि हम ब्रांडेड देंगे, लोकल अगर आप लेते हैं तो क्या होता है, लोकल में वो थोड़े दिन चलता है, जल्दी से सूख जाता है और आपको फेंकना पड़ जाता है, तो थोड़े ही दिन में आपको फिर से लाना पड़ रहा है, तो वो और ज्यादा महंगा है। इससे बेटर है कि एक ही बार में आप थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ले लीजिए, जो ज्यादा समय तक टिका रहे आपके घर, ऐसे हमें काम करना। तो हमें ये जो सिंदूर है, लोकल प्रोडक्ट से हम कंपेयर नहीं करते हैं, इसको हमने अच्छे से अच्छी क्वालिटी में बनाया है, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जो आपकी स्किन पर रैश करेगा, इचिंग करेगा, हेडेक करेगा, आपकी स्किन को डैमेज करेगा, पानी से भी नहीं फैलता है, पसीने से भी नहीं फैलता है, स्मज प्रूफ है, लिक्विड है, रेड कलर में, हर इंडियन लेडी हर घर में इस्तेमाल करती है, और इसको हम बहुत अच्छे से रिटेल कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि नेल पेंट जो है हमारा, वो नेल पेंट इतने दिनों तक टिका रहता है, कई दिनों तक एज इट इज आपके नेल्स पर रहता है कि आपको नेल पेंट रिमूवर वाइप्स यूज करना पड़ता है। जब आप नेल पेंट रिमूवर वाइप्स यूज करना पड़ रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो भी इतने हेल्दी हो कि आपके नाखूनों को हमेशा पोषक तत्व ही मिले, आपके नेल्स को हमेशा ऐसे तत्व मिले जो आपके नाखूनों के लिए फायदेमंद हो। तो आप जिसको भी नेल पेंट रिकमेंड करते हैं या खुद भी लेते हैं, तो साथ में नेल पेंट रिमूवर वाइप्स लेना ना भूलें, क्योंकि बिना रिमूव किए आप उसको नहीं हटा सकते, क्योंकि कई दिनों तक रहता है, आपको चेंज लेना है, तो आप नेल पेंट रिमूवर वाइप्स इस्तेमाल कीजिए। इसके फीचर्स की मैं क्या बात करूँ, इसके अंदर अल्कोहल फ्री फॉर्मूला है, जिसमें हमने अल्कोहल बिल्कुल भी यूज नहीं किया है,
इसके अंदर हमने दिया है एसीटोन, इसके अंदर हमने दिया है ग्लीसरीन। ग्लीसरीन जो है आपके नाखूनों को मॉइस्चर देता है। मॉइस्चर कैसे, आपकी कई सारी लेडीज होती है जिनके नाखून बहुत ड्राई रहते हैं, येलो येलो से रहते हैं थोड़े से, मतलब वो चाहकर भी उनके एकदम क्लीन नहीं दिखते, एकदम पिंक नहीं दिखते, सॉफ्ट नहीं दिखते। तो इसके अंदर हमने ग्लीसरीन दिया है जो आपके नाखूनों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, पिंक रखता है, सॉफ्ट रखता है, मॉइस्चर देता है, येल्लोपन नहीं होने देता है। एसीटोन नहीं दिया है। आप जो भी नेल पेंट वाइप्स, पहली बात तो आप वाइप्स मेरे ख्याल से अपडेट वर्जन आपको कीफोल में मिला है, अदरवाइज आप लोग नेल पेंट रिमूवर यूज किया करते थे जिसमें एक बॉटल होती थी, साथ में एक कॉटन आप लेते थे फिर आप रिमूव करते थे, ये दो चीजें आपको कैरी करनी पड़ती थी, उसमें से भी उसको ध्यान से करना पड़ता था। तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये वेट वाइप्स आपको यूज करने पड़ेंगे जो आपको इजिली रिमूव करता है। उसमें क्या होता है, एसीटोन डला होता है अदर ब्रांड में, एसीटोन जिसमें भी होता है वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब भी नेल पेंट रिमूवर वाइप्स यूज करते हैं एसीटोन आपके नेल्स को व्हाइट करने लगता है, आपके नाखून थोड़े थोड़े से व्हाइट दिखने लगते हैं। अगर वो व्हाइट दिख रहे हैं मतलब वहां पर एसीटोन है, एसीटोन है तो वो आपके नाखून को ड्राई करता है और नेल्स टूटने लगते हैं, और एसीटोन हमें नुकसान भी करता है। तो एसीटोन हमारी इसके अंदर 100% नहीं है। कई सारी कंपनीज ऐसी भी देखते हैं जिसमें लिखा हुआ भी होता है कि 10% एसीटोन है, 20% एसीटोन है, या कुछ परसेंट दिया हुआ होता है, या किसी में नहीं भी दिया होता तो व्हाइट कर रहा है तो हमें पता होता है एसीटोन है। तो हमने यहाँ पर ये चीज बिल्कुल क्लियर है, हमारे नेल पेंट रिमूवर वाइप्स में एसीटोन बिल्कुल भी नहीं है। साथ में इसके अंदर भी हमने विटामिन ई दिया है जो आपके नाखूनों की ग्रोथ करता है, आपके नाखूनों को बढ़ाने में मदद करता है, और ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया और फायदेमंद प्रोडक्ट है। जो भी नेल पेंट खरीदता है उन्हें ऑफर कीजिए नेल पेंट रिमूवर वाइप्स भी लेकर के जाइए, क्योंकि इसकी जरूरत जरूर से पड़ेगी। उन्हें बोलिए कि ये अल्कोहल फ्री है, इसके अंदर एसीटोन नहीं है बिल्कुल भी, ये विटामिन ई से युक्त है, इसके अंदर ग्लीसरीन है, और आपके कितने भी हाई पिगमेंट वाले, कितना भी लॉन्ग लास्टिंग आपने नेल पेंट यूज किया हो, एक ही बार में बहुत बढ़िया से रिमूव भी करता है। कॉम्पैक्ट पाउडर है यहाँ पर जो अंत में आपको यूज करना पड़ता है, जब भी आप मेक ओवर करते हैं उसमें एसपीएफ एडिटिव्स हमने यूज किए हैं जो यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है, स्मूथ एप्लीकेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है। यहाँ पर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट और हाइजीन प्रोडक्ट जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो है इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश एक ऐसा प्रोडक्ट है कि ये प्रोडक्ट हर महिला को यूज करना ही चाहिए। हमेशा हम किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के फोर्स नहीं डाल सकते कि आपको ये यूज करना ही चाहिए, आप यूज कर लीजिए, नहीं आप लेकर के जाइए, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को लेकर के फोर्स कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। उनकी हेल्थ का सवाल है, जहाँ पर महिलाओं की स्वच्छता का, महिलाओं की हेल्थ का सवाल आता है वहां पर हमें थोड़ा सा फोर्स डालना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इंटीमेट वॉश क्या होता है, इंटीमेट वॉश जनरली बहुत कम लोगों को पता है कि इंटीमेट वॉश क्या होता है। इंटीमेट वॉश लेडीज की इंटीमेट एरिया, जो प्राइवेट एरिया होता है, उसको वॉश करने के लिए, उसके लिए एक हाइजीनिक प्रोडक्ट है इंटीमेट वॉश। क्योंकि क्या होता है कि लेडीज में अभी जो चीजें चल रही है, आप देखेंगे जो अभी का जमाना है, बहुत ज्यादा इंफेक्शन होना, यूरिन इंफेक्शन होना, बहुत ज्यादा आए दिन उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना, तो ये सारे कारण क्यों हो रहे हैं? ये कारण हो रहा है आपका खान पान बिगड़ चुका है, आप लोग ऑयली फूड खाते हैं, आप लोग जंक फूड खाते हैं, आप लोग जो भी खा रहे हैं, आप लोग केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, या फिर आप लोग जो भी फैब्रिक यूज करते हैं पैंटी का, तो उसकी वजह से भी आप लोगों को गीलापन रहता है, तो आपको ये इचिंग होना, रैशेज होना, इन्फेक्शन होना नॉर्मल रहता है। तो हम लोग यहाँ पर इंटीमेट वॉश जो है यूज कर सकते हैं, हर महिला को डेली रूटीन में इस्तेमाल करना चाहिए, आपके घर की सारी महिलाओं को यूज करना चाहिए। और इसके फीचर्स की हम बात करें तो इसके अंदर हमने यूज किया है लोटस एक्सट्रैक्ट। लोटस एक्सट्रैक्ट क्या होता है, कमल का अर्क हमने इसके अंदर दिया है। बड़ी ब्रांडेड कंपनी, जो भी कंपनीज आप जानते हैं उनके कंपैरिजन में इसका कंपेयर कर सकते हैं, एक तो प्राइस में भी आप कंपेयर कर सकते हैं, ये सबसे सस्ता है अदर ब्रांड से। दूसरा आप इसके फीचर से, इसके अंदर जो तत्व हमने दिए, इंग्रेडिएंट जो हमने दिए, उससे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। लोटस एक्सट्रैक्ट इसके अंदर है जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है हमारी स्किन के लिए, आपको स्वेलिंग नहीं होने देता है, आपके एंटीबैक्टीरियल होता है, बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करके रखता है, साथ में
पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हमने इसके अंदर दिया है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है वो पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है ताकि आपको इन्फेक्शन कैच ना हो इजीली, बैक्टीरिया कैच ना हो, इचिंग ना हो, रैशेज ना हो, और इन्फेक्शन ना हो, यूरिन इन्फेक्शन ना हो। तो इसके लिए हमने इसमें यूज किया है लैक्टिक एसिड। अगर आप डिटर्जेंट यूज करते हैं, अगर आप साबुन यूज करते हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि उसे कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि साबुन हमेशा आपके पीएच लेवल को बिगाड़ेगा। अगर आप इंटीमेट एरिया पर साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पीएच लेवल को बिगाड़ता है, और जैसे ही आपका पीएच लेवल बिगड़ता है आपको इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन ना होने के लिए हमने इसके अंदर दिया है लैक्टिक एसिड और गुड बैक्टीरियाज हमने दिया है। जो भी महिलाएं पीरियड्स में है, प्रेगनेंसी में है, उन सभी महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर हमने लोटस एक्सट्रैक्ट दिया है, लैक्टिक एसिड दिया है, जो पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है और इन्फेक्शन रहित आपको बनाता है। कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है। सभी महिलाओं को वॉश यूज करना चाहिए। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हर घर में ये प्रोडक्ट हो, क्योंकि ये महिलाओं का प्रोडक्ट है, महिलाओं की हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को लग रहा है कि इस प्रोडक्ट पर हम कैसे बात करें, लेकिन आने वाली जनरेशन एकदम ओपन माइंडेड होती है, फ्रेंक है, तो कभी भी ये आने वाले 4 से 5 सालों में आपको ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हम किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आप अभी से इसकी शुरुआत कर दीजिए ताकि आपको 4 साल बाद ये ना लगे कि काश हमने उस टाइम पे कर लिया होता तो बेटर होता, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो इन्हीं प्रोडक्ट का है। हर घर में ये प्रोडक्ट दिखेंगे, हर घर में ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो भी एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों में ओपन माइंडेड हो रहे हैं, फ्रैंक फ्रैंक लोग रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो मेल फीमेल का जो जो चीजें जो बातें थी वो पुराने जमाने में थी, आजकल जमाना बदल गया है। हेल्दी इंडिया हम लोगों को बनाना है, हेल्दी प्रोडक्ट महिलाओं को यूज कराना है। कम से कम इन चीजों के लिए, इचिंग रैश इन्फेक्शन के लिए, कम से कम हमें गायनेकोलॉजिस्ट के पास अगर जाना है तो हमें इंटीमेट वॉश का इस्तेमाल करना ही करना चाहिए। सैनिटरी नैपकिन यहाँ पर अवेलेबल है। सैनिटरी नैपकिन में अल्ट्राथीन की मैं बात करूंगी। अल्ट्राथीन जो प्रोडक्ट है हर महीने हर घर में इस्तेमाल होता है, हर लेडीज इस्तेमाल करती है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन में आप लोगों को जो प्रोडक्ट की अगर हम कंपैरिजन करें मार्केट से तो कैसे कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। अदर ब्रांड जो भी होती है, जो भी बड़ी ब्रांड है, उसके सैनिटरी नैपकिन आप टच करके देख सकते हैं। उसकी जो पहली लेयर होती है, फर्स्ट लेयर होती है, वो पॉलीप्रोपलाइन शीट की होती है, जिसमें 90% प्लास्टिक होता है और आप प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। जो प्लास्टिक आपको इचिंग देता है, रैशेस देता है, बैक्टीरिया को बढ़ाता है, आपको कभी कैंसर भी हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक कभी भी बैक्टीरिया को कम नहीं करता है, गीलेपन को बढ़ाता है, बैक्टीरिया को बढ़ाता है, रैशेस आपको होता है। आप ऑलरेडी 4 दिन तक पैनिक है और इन प्रोडक्ट से और ज्यादा पैनिक हो जाती है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए और हम ये चाहते हैं कि हम किसी और को भी ना दे, तो आप रिकमेंड कीजिए कि हमारा जो अल्ट्रा थीम है वो 100% कॉटन ही सॉफ्ट टॉप लेयर से मिलकर बना है, जिसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है, जिसमें लीकेज नहीं होता है, बैक्टीरियाज रिमूव होते हैं, ड्राई रहता है, गीलापन नहीं होता है, इचिंग नहीं होता है, रैशेज यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखता है। इसमें एडियल टेक्नोलॉजी है, जेल टेक्नोलॉजी है, सैप टेक्नोलॉजी है जो सुपर एब्जॉर्प्शन का काम करता है, जेल टेक्नोलॉजी जो फ्लो को जेल में कन्वर्ट करता है और ऊपर की सतह को ड्राई रखता है। तो ये जो प्रोडक्ट के फीचर्स है, इस फीचर्स पर काम कीजिए और कंपैरिजन पर काम कीजिए, रिजल्ट अपने आप दिखने लगेगा। और ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, हर महीने आपने अगर सोच लिया कि मेरे घर के पास में 50,000 घर है, उस 50,000 घर में हर महीने मेरा ये प्रोडक्ट जाना चाहिए, क्योंकि हर घर में हर महीने में हर लेडीज को ये प्रोडक्ट की डिमांड रहती है। तो उन सारे 50,000 घर में आप ट्राई कर सकते हैं, उनमें से यकीन मानिए 25,000 घर भी अगर आपके रेगुलर हो जाते हैं तो आपकी इनकम कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी ऑफर्स के बारे में। अल्ट्रा थीम पर आप लोगों को ऑफर मिल रहा है। देखिए अल्ट्रा थीम इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी सेल भी इसकी आ रही है और बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है। आप ये मत सोचिएगा कि कंपनी में अगर ये ऑफर आया है तो कहीं ना कहीं कंपनी में ये प्रोडक्ट इसकी सेल कम होगी, या ऐसा कुछ, ऐसी मानसिकता आपको नहीं बनानी है, क्योंकि इस पर ऑफर हम जो लेकर के आए हैं इसका हमारा कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम इंडिया की, हिंदुस्तान के हर घर में इस प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा मतलब हर लेडी के लिए सुटेबल है।
हर लेडी को हम इंफेक्शन, रैश, इचिंग, पैनिक होने से बचाना चाहते हैं और हम हेल्थ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं पर काम करने का मुद्दा अगर उठाया है, महिला सशक्तिकरण का, तो इसीलिए हम लोग ऑफर लेकर के आए हैं। और अगर ये ऑफर के लिए मुद्दा अगर हमने उठाया है, तो इस पर काम करना आप लोगों का फर्ज बनता है, आप लोगों का दायित्व बनता है। आप लोग आज ही टारगेट सेट कीजिए कि मुझे कितने घरों में इस प्रोडक्ट को पहुंचाना है, कितने इंडिया में कितने घरों में अल्ट्राथीन को पहुंचाना है, ये आप लोग डिसाइड कीजिए। आप लोग जब ये डिसाइड कर लेंगे और जिस दिन ये प्रोडक्ट लेडीज ने यूज कर लिया, आप यकीन मानिए सालों तक, मतलब 40 ईयर्स तक लेडीज को पीरियड्स रहते हैं, तो वो सालों तक आपसे यही प्रोडक्ट मांगेंगे, वो किसी और प्रोडक्ट पर जाएंगे भी नहीं, क्योंकि इन प्रोडक्ट के फीचर्स के साथ में जो फील है, उनको मेंटली स्ट्रेस कम रहता है, उनको बैक्टीरिया से इचिंग रैशेस नहीं होता है। तो अल्ट्राथीन पर 100% बीवी हम लोग लेकर के आए हैं, जो 30 सितंबर तक ही लागू है। आप लोगों को देखना है कि हमें कितना टारगेट लेना है इस महीने, कितना हम लोग कर सकते हैं, तो आप लोग इस पर 100% बीवी यहाँ पर मिलता है 30 होल में। दूसरा ऑफर आप लोगों के पास में है कॉस्मेटिक्स पर, 100% बीवी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पर मिलता है, मिनिमम आपको 2000 SP की खरीद करने पर, 2000 मिनिमम अगर आप सेलिंग प्राइस पर आप परचेज करते हैं, 2000 SP पर, सॉरी 2000 SP पर न्यूनतम खरीद है। अगर आप लोग 100% बीवी चाहते हैं, कॉस्मेटिक्स के सारे प्रोडक्ट साथ में इंटीमेट वॉश भी है, ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पर है, मिनिमम है 2000, आप 4000 भी कर सकते हैं, आप 6000 भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए आपके पास एक ही बिल पर होना चाहिए, ये सिंगल बिल पर अप्लाइड है, ये कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पर ही अप्लाई है, आप लॉन्जरी पर नहीं कर सकते हैं, ये इंटीमेट वॉश भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑफर जो है 30 तारीख तक ही लागू है, सिंगल बिल पर अप्लाइड है, 2000 SP करने पर आप अपना पिन लेवल भी चेंज करने का आपके पास ये मौका है। आप मिनिमम 2000 कीजिए, मैक्सिमम आप 15000, 25000, 50000, जो भी आप करना चाहते हैं, आपका पिन लेवल चेंज हो जाएगा। पिन लेवल के लिए यहाँ पर है इलाइट, आपको अगर पिन चाहिए तो आपके पास 15000 बीवी सेल्फ आईडी पर, आपके पास है ग्लो ग्लिटर 25000 बीवी सेल्फ आईडी पर, आपके पास है राइजिंग स्टार 50000 बीवी सेल्फ आईडी पर। अगर आप सभी चाहते हैं कि की सोल में हम लोग अपना पिन लेवल चाहते हैं, तो आपके पास ये मौका है 2000 SP की न्यूनतम खरीद पर 100% बीवी भी आपको मिलता है, साथ में पिन लेवल चेंज करने का, पिन पाने का भी आप लोगों को यहाँ पर सुनहरा मौका मिलता है। जिनको भी पिन, जो भी लेडीज जिन्होंने जो शुरुआत की थी कीसोल की, तो अगर वो सारी महिलाएं यहाँ पर है, तो हमें आप लोगों से बहुत उम्मीद है, आप सभी ये सारा काम अच्छे से कर सकते हैं। तो और दूसरा ऑफर मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगी कि आप सभी अगर हाउसवाइफ है, तो हाउसवाइफ होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा समय है और उस समय में आप इनकम जनरेट करना चाहते हैं, आप अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, पर आप चाहते हैं कि मैं अपने घर का एक सपोर्ट सिस्टम बनूं और ऐसा इनकम जनरेट कर पाऊं और रिटेल पर काम कर पाऊं, रिटेलिंग कर पाऊं, और ये प्रोडक्ट जो है वो रिटेलिंग वाले ही प्रोडक्ट है, जिस पर आप ज्यादा से ज्यादा रिटेल करके बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो की सोल का एक्सक्लूसिव स्टोर आप घर बैठे ले सकते हैं, जो मिनिमम 50000 रुपए पर आपको मिलता है, 25000 पर आपको लॉन्जरी मिलता है, 25000 पर आपको कॉस्मेटिक्स मिलता है। घर बैठे सारे की सोल प्रोडक्ट पर आप बहुत बढ़िया काम कर सकती है हर महिला। आप जितनी भी महिलाएं हैं, सभी महिलाएं PUC ले सकते हैं, की सोल के सभी बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसमें आपको जो भी चैलेंजेस आते हैं, हम लोग आपके डायरेक्ट टच में रहते हैं, तो सारे चैलेंजेस आपके क्लियर होते हैं। आप लोग इस पर आपको सेल, हाउ टू सेल से लेकर के प्रोडक्ट नॉलेज की ट्रेनिंग भी आप लोगों को दी जाती है, बराबर आप लोगों के टच में रहते हैं, और प्रोडक्ट की अवेबिलिटी के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, 50000 रुपीज में होम PUC ओपन करने का। तो आज का समय शायद अगर थोड़ा ज्यादा समय हो चुका है, तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर ही विराम देना चाहूंगी। होप सो आप सभी के जो भी डाउट थे, जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी चैलेंजेस आप लोगों के बीच में आ रहे थे, होप सो मैं उन्हें क्लियर कर पाई हूँ, क्योंकि
मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को 100% दूँ ताकि आप लोग हमें 200% दें। थैंक यू सो मच। चैट्स बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से स्वाति जी आपने बताया कि किस तरह से आज की सोल के प्रोडक्ट है, उसमें भी स्पेशली हम बात करें तो हमारे 100% बिजनेस वॉल्यूम के साथ में जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आज हम लोगों के बीच में है ऑफर के साथ में, तो उनका फायदा हम सारे लोग ले सकते हैं। साथ ही मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये ऑफर्स की इम्पोर्टेंस हमें समझनी पड़ेगी। ये हमारे लिए हमारे इस बिजनेस मंथ के साथ साथ इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा करो तक डिलीवर करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन सकता है, एक अवसर बन सकता है। उसको अगर हमने अभी कैश नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि समय निकल जाने के बाद हमें बहुत पछतावा होगा, क्योंकि आज हम देखते हैं हर एक ऑफर से अपने ऑफर्स को अगर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जहाँ एवरेज 60-70% जिनका बिजनेस वॉल्यूम होता है वो आज आपके पास में 2000 SP से ज्यादा के अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हैं तो सीधा आपका जो वॉल्यूम है वो 100% हो जाता है। आप या ये सोचिए कि जहाँ पे आपको 100 मीटर की रेस दौड़नी थी वो सिर्फ आपको 70 मीटर ही दौड़नी है, बाकी की 30% आपको बोनस के रूप में मिल रही है, वो भी ऐसे टारगेट मंथ के अंदर। तो हमें उन ऑफर्स को समझना है और हमारे जितने भी डायरेक्ट सेलर है उनको समझाना है कि किस तरह से इस पे हम बड़ा काम कर सकता है। अगर आपने किसी ने रॉयल्टी का टारगेट लिया तो मैं समझता हूँ 2% नहीं, वो सीधा 3%, 4% या 6% रॉयल्टी के ऊपर भी जा सकता है, अगर इन ऑफर को सही तरीके से उसने समझ लिया और समझा दिया और इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिया। तो इन ऑफर्स के थ्रू हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, जैसा कि अल्ट्रा थिंक सैनिटरी नेपकिन जो है उसके ऊपर आज 100% बीवी का आप लोगों के बीच में ऑफर चल रहा है, तो इसके ऊपर कितना बड़ा हम काम कर सकते हैं, कितनी बड़ी अवेयरनेस हम जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको यूज करके हम हेल्दी एक माहौल पूरे घर में बना सकते हैं, वो सारी चीजें तभी हो सकती है जब इनके ऊपर हम काम करें, इनके ऊपर हम डिटेल से बात करें और लोगों को समझाएं कि आज की डेट में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं जहाँ पे जी रहे हैं तो वहाँ पे पर्सनल हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, कितनी ज्यादा हमारे लिए हमारी खुद की सुरक्षा हो जाती है, किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी रख सकें और इन प्रोडक्ट्स के थ्रू किस तरह से हम अपने फैमिली मेंबर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो सारी चीजें तभी हो सकती है जब हम इनके ऊपर बात करें और इनको अपने बिजनेस के साथ साथ अपने फैमिली के साथ अटैच करने की कोशिश करें, जिससे कि हम बड़ा वॉल्यूम निकाल सकें, ज्यादा लोगों तक ये प्रोडक्ट लेके जा सकें। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी महिला डायरेक्ट सेलर हमारे बीच में है वो सारी की सारी आज बहुत अच्छे तरीके से हमारे इन प्रोडक्ट को यूज कर रही है और लोगों से करवा भी पा रही है। उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है कि हम एक अच्छी क्वालिटी के साथ में एक अच्छी रीजनेबल रेट के साथ में आप लोगों के बीच में है, जो एक सेटिस्फेक्शन हमारे बीच में आ रहा है, वही रीजन है कि आज की सूट को हम बहुत बड़ा बना पा रहे हैं और आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में और भी बेहतरीन प्रोडक्ट की रेंज आने वाली है। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी 16 सितंबर आरसीएम दिवस जो कि डीसी सर का बर्थडे भी है, आप लोगों को बता उस दिन बहुत सारे अनाउंसमेंट होने और एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है डिजिटली, जो कि शाम 8 बजे आरसीएम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर लाइव होगा, जहां पे आपको बहुत सारे अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगे। तो जितने लोग यहां पे मौजूद है सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस प्रोग्राम के अंदर आपकी टीम का हर एक इंसान, हर एक साथी मौजूद होना चाहिए, ताकि वहां पे जो नए प्रोडक्ट्स अनाउंसमेंट आप लोगों के बीच में होने वाले हैं, साथ में जो नए साल का आने वाले टाइम में किस तरह से आरसीएम बड़ा करने वाली है, टीसी सर का क्या विजन है, वो सारी चीजें हम लोगों के बीच में लाइव रहेगी। तो उस प्रोग्राम का हिस्सा बनने से कोई भी ना चुके अपनी टीम में उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे, ताकि एक बहुत ही अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम्स के अंदर जो चीजें अनाउंस होने वाली है वो सबसे पहले हमारी टीम के पास में जाए और उस पर हम बड़ा काम कर सकें। आज आप सारे लोगों ने पूरे पेशेंस के साथ सुना जाना और मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ पे थे हर कोई अपनी टीम के अंदर इसको डुप्लीकेट करेगा और सितंबर को वाकई में सुपर सितंबर बनाएगा। तो आप सब लोगों अगले एक इवेंट में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सिंह।